ये तस्वीरें विरोध की है। विरोध है प्रदेश की मौजूदा गहलोत सरकार के खिलाफ। वजह है प्रदेश में नवंबर महीने में हुई रीट की परीक्षा। रीट की परीक्षा में अब तक जो कुछ हुआ वो प्रदेश की आम जनता ने राजस्थान तक पर एडिटर शरद कुमार की रिपोर्ट में लगातार देखा। रीट पेपर लीक में अब विद्यार्थी परिषद का कहना है कि पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच हो, साथ ही सीएम अशोक गहलोत का इस्तीफा हो, साथ ही सभी आरोपियों को पकड़ा जाए, वरना विद्यार्थी परिषद विधानसभा का घेराव करेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजस्थान विगत वर्षों से राजस्थान में हुई प्रतियोगिताएं परीक्षाएं रीट, जेईएन, आरएएस, एसआई, पटवारी, लाइब्रेरियन, ग्राम विकास अधिकारी और फायरमैन आदि के पेपर लीक में सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप लगाते हुए घोटालेबाजी के उजागर होने का आरोप भी लगा रही है। परिषद का आरोप है कि उपलब्ध सबूतों और एसओजी की जांच के आधार पर किया जो कुछ हुआ है वो प्रशासनिक अधिकारी और सरकार के कई बड़े नेता मंत्री इस गिरोह में शामिल है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी अधिकारी और मंत्री और नेताओं पर कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार भी लगातार अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। लगातार हो रहे पेपर लीक में सरकार की अनदेखी को लेकर छात्रों में भारी आक्रोश है। विद्यार्थी परिषद लगातार जन जागरूक का कार्य कर रही है। इसी कड़ी में शिक्षा संकुल पर युवा आक्रोश सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें सैकड़ों छात्रों ने भाग लिया। छात्रों में भारी आक्रोश था। सभी परीक्षार्थियों ने मांग की सारे विवादास्पद भर्तियां रद्द हो और तुरंत कठोर कानून बने, साथ ही मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो और सभी आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाला जाए। इस मौके पर विद्यार्थी परिषद के प्रांत संगठन मंत्री अर्जुन तिवारी जी भी मौजूद रहे, जिन्होंने छात्रों के बीच नारेबाजी कर उत्साह वर्धन किया। बस सरकार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया, साथ ही सीएम पर आरोप लगाते हुए एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा ने कहा, मुख्यमंत्री जी की हठधर्मिता समझ से परे है। जिस संगठन से सुभाष गर्ग की उत्पत्ति हुई, जब उसी संगठन ने राज्य मंत्री को संगठन की उच्च नैतिकता दिखाते हुए बर्खास्त कर दिया, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का एक राज्य मंत्री से प्रेम ये स्पष्ट करता है कि वे खुद भी रीट घोटाले में संलिप्त है। खुद मुख्यमंत्री कार्यालय ने सुभाष यादव और बीएस बेरवा को आयुक्तालय से निलंबित किया था। बावजूद इसके इन दोनों के निलंबन के बाद हेडक्वार्टर आयुक्तालय ही किया गया। आयुक्तालय से ही रीट का पेपर चोर राम कृपाल मीणा को दिया गया था। रीट प्रकरण में अब तक दोषी डीपी जारोली, प्रदीप पराशर, सुभाष यादव और बीएस बेरवा तीनों के ही घनिष्ठ संबंध राज्य के मंत्री सुभाष गर्ग से है। गहलोत साहब का गर्ग प्रेम स्पष्ट करता है कि रीट घोटाले का पैसा मुख्यमंत्री तक गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।